वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम आ गए हैं द ग्रूव में, लॉस एंजलिस का ये एक अच्छा मार्केट जैसा है। एग्जैक्टली तो मार्केट नहीं है बट मार्केट जैसा है, मॉल है आई वुड से, जहाँ पे क्रिसमस लाइटिंग्स बहुत अच्छी होती है और काफ़ी सारे आउटलेट्स भी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या लाइटिंग लगी हुई है। भाई साहब भीड़ तो देखो, ऐसा लग रहा है बॉम्बे लोकल में आ गए। सुपर भीड़ है, तो ग्रुप में पहले भी आया हूँ बट लेकिन इसकी जो मेन अट्रैक्शन होती है ना वो क्रिसमस में होती है। पूरा लिट अप हो जाता है, लाइटिंग्स हर जगह पे, सो इसीलिए हमको किसी ने सजेस्ट किया था। वेलकम कम हियर, आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत पब्लिक, ऐसा लग रहा है बॉम्बे की लोकल में आ गया हूँ। पहली बार इतनी पब्लिक एक जगह पे मैंने देखी है, मतलब लॉस एंजलिस में इतनी भीड़ होती नहीं है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे जो सात लोग आए वो गायब ना हो गए हो। बहुत लाइटिंग है, बहुत लाइटिंग है, बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है। आर्टिफिशियल स्नो गिर रही है पूरा, ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि आपको स्नो हो रही है, आर्टिफिशियल है। सो क्रिसमस का पूरा लुक तो उठा सकते हो, सो यू विल फील के स्नोइंग स्नो फील होगा। सब आर्टिफिशियल है, स्नो गिरी तो सब पागल हो गए, इतनी भीड़ है वहां पर। मुझे सामने एक देसी फैमिली भी दिख गई है, यहाँ पे इतने इंडियंस आते नहीं हैं बट मुझे एकदम से दिख गई, और यहाँ सिर्फ एक फैमिली है इंडियन, बाकी इतने कभी इंडियंस नहीं आते यहाँ पे। सारे ब्रांड के शोरूम भी हैं, कोच, वेंस, फिस्कर, थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि स्नो हो रही है। तो हमारे साथ रिया है, वानी है, सब तैयार हो क्या है, जैकेट वैकेट पहन के एकदम, किसी से कम नहीं लगने चाहिए। और आर्टिफिशियल स्नो भी गिर रही है, माइक लेकर आता तो अच्छा होता, माइक ले ला। अपना ही ना हमारी
देखो गाइस, लोकल ट्रेन पिज्जा के लिए। आज का डिनर यहाँ होने वाला है, 2 घंटे का वेटिंग है। लुक एट द रियल ब्यूटी मैन, ब्यूटीफुल। गाइस ये इतना बड़ा घर बना है सेंटा का, सेंटा लगता है इधर ही रहता होगा। पता नहीं क्या बना, जिंजर ब्रेड हाउस बोलते हैं इसको। बनाना रिपब्लिक, फ्रेम, लुलुलेमन। लुलुलेमन काफी पॉपुलर ब्रांड है इधर कैलिफोर्निया में, लाइक पूरे यूएस में ही है। इंडिया में इतना पता नहीं है लुलुलेमन के बारे में, बट यूएस में बहुत फेमस है लुलुलेमन। जेनी एंड जैक, माइकल कोर्स, तो यहाँ से एंट्री है इसकी। ये एग्जिट लग रहा है, बढ़िया। एक फार्मर मार्केट भी है। फार्मर्स मार्केट में आपको सब देसी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल जाते हैं। और हमारी मैडम को फिर कुछ मिल गया है। क्या बोलते हैं इसको? इविल आई। इविल आई क्या होता है उससे? नजर नहीं लगती। अच्छा, ये लगाओगे तो नजर नहीं लगती है। मालूम है आपको इसके बारे में कुछ? बैड एनर्जी इसमें दूर रखे हैं। बैड एनर्जी से दूर रखे हो? ओके, तो खर्चा होने वाला है फिर आज लगता है। हमारे घर में तो मैं ही हूँ बैड एनर्जी। फिर तुझे दूर रखना पड़ेगा। ए चलो, ए वधार खर्चो नहीं कर रहा हूँ, चलो बस बहुत है, ले ली दो है। Doesn't suit you. What's that? Train. Line to dekho bhai. एप्पल स्टोर भी है। ओ लुक एट द एप्पल स्टोर मैन, बहुत बड़ा है। ओ गॉर्जियस। ये मैंने वाइड एंगल पे स्विच किया है, वाइड एंगल अच्छा क्लैरिटी दे रहा है और बहुत बड़ी स्क्रीन पीछे दिखती है।
सिनेमैटिक और नॉर्मल वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिखता, बट वाओ दिस इज़ वॉच। सो ये प्रेट्ज़ल्स है, ब्रेड होती है, पफ जैसा ही होता है, बट मैदे की ब्रेड होती है, उसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट रहता है, ऐसा ही कुछ होता है, मैंने कभी नहीं खाया। तो स्नो हो गई है फिर से चालू। स्प्रिंकल्स, ये कपकेक्स होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो अब हम आ गए बेवरली हिल्स, यहाँ पे रहती है प्रियंका चोपड़ा और सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चीज केक फैक्ट्री में खाने के लिए, सब बड़े बड़े लोग यहीं रहते हैं। सैटरडे नाइट है इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, पार्किंग ढूंढने में भी काफी टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पार्किंग होती नहीं है। मिल गई फ्लैट पार्किंग, फ्लैट $5 चीज के। और यहीं पे एक रोडियो ड्राइव भी है पीछे ही, जहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांच, एले की सबसे पॉपुलर व्यू है रोडियो ड्राइव, यहाँ पे सारे आपको क्रिश्चियन डियोर, लुई विटॉन, सारे ब्रांड्स के आपको स्टोर्स मिल जाएंगे। सो ये है रोडियो ड्राइव, अभी तो 10:30 बज गए रात के इसलिए आपको इतनी चहल पहल दिखेगी नहीं, बट ये है रोडियो ड्राइव। सो रात हो चुकी है, 10:30 बज रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ नहीं है, बाकी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये आप सामने देख सकते हैं सारे ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, पूरा क्रिसमस की वजह से लिट अप किया हुआ है। रोलेक्स का सामने स्टोर है, साल्वाटोर, डेविड यर्मन और गुची का भी है। बेवरली हिल्स का आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा। साढ़े दस बजे ये लॉस एंजलिस की रोडियो ड्राइव पे ऐसे घूमने का मजा अलग है। प्राडा का शोरूम सामने, जेगना है, ये गुची सामने आ गया, मॉन्क्लेयर, फरारी। सो लेडीज को ला नहीं सकते इधर, अच्छा है मैं सारे स्टोर बंद हो गए तब लाया हूँ। शैनल का सामने आपको दिख रहा होगा, फरारी। हाँ जी, क्या चाहिए इधर को? कार्टियर, टॉम फोर्ड, डियोर सामने आ रहा है, पीछे से फरमाइशें शुरू है बट मिलने कुछ नहीं वाला है। बैलेंसियागा, बैलेंसियागा, मॉन्क्लेयर, गाइस ये तो मैं आपको ऐसे ही रात को दिखा रहा हूँ। किसी दिन यहाँ पे दोपहर में आएंगे तो आपको पब्लिक भी दिखेगी। इतने ब्रांड्स तो मुझे पता भी नहीं है, जो जो कुछ कुछ पता है तो उसके नाम बता रहा हूँ। कार देखिए, वाव, कैडिलैक है, कैडिलैक, YSL, सेंट लॉरेंट, हाँ भाई मैं तो यहां से कुछ ना खरीदू। लुई विटॉन सामने है,
Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. It's not Dolce. It's Dolce & Gabbana. Oh, Tesla. Burberry. Lord Piana. ये भी कुछ है. Van Cleef. पूरा क्रिसमस से ये लिट अप है. Once more. ये ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया था. क्या हॉर्न था. गॉड. ओह, इट्स अ बिग क्रिसमस ट्री. Stefano Ricci. Rimowa Fendi. पता नहीं क्या मिलता है. I think ये गवर्नमेंट ऑफिस लग रहा है मुझे. पता नहीं एग्जैक्टली, गूगल नहीं किया मैंने. कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही है सामने. ओके गाइस, सो व्लॉग एंड करेंगे. अच्छा लगा खाली सड़कें रोडियो ड्राइव की घूम के. इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी. कुछ थोड़ी शॉपिंग करी है मैंने, नहीं करी ऑब्वियसली, बट लेकिन मज़ा आया. सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग.